और बात मॉनसून की, देश में मॉनसून का कहर जारी है। ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ओडिशा में केंद्रपाड़ा जिले के 105 गांवों में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल स्तर में वृद्धि से निचले इलाकों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राजस्थान में टोंक, कोटा, सीकर 12 भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के बीच 12 जिले में आज और कल के लिए स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे बालाजी नगर की तरफ, कोटिल नगर, बालाजी नगर थर्ड, बालाजी नगर, इन सब जगह पर ये बाढ़ आई हुई है और स्थितियां आप देख सकते हैं। और काशीधाम जो जगह है वहां पर भी स्थितियां ऐसी बनी हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए घरों में लोग कैसे राह देख रहे हैं कि कोई उनको रेस्क्यू करे, और रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इस पानी में मगरमच्छ भी हो सकते हैं, क्योंकि कोटा फेमस है मगरमच्छ के लिए और मगरमच्छ हैं भी, जैसा कि हमें रेस्क्यू टीम काम करने वाले लोगों ने बताया। इनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? रोकी डेनियल। रोकी डेनियल, एक चीज बताइए, अभी आप बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किए हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्या हालात है अंदर? सर, समस्या तो यह है कि घर में से जो लोग हैं वो निकलने के लिए रेडी नहीं है। पहली बात तो उनको डर लगता है कि भाई हमारे घर में चोरी हो जाएगी। पहले भी हमने कई बार रेस्क्यू किए हैं यहाँ पे, पहले भी काफी बार शिकायत आई है कि हम जैसे घर छोड़ के जाते हैं तो बहुत सी चोरी हो जाती है, उस कारण से नहीं निकल रहे हैं लोग। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। उस तरफ देखिए, वहाँ जो लोग घूम रहे हैं आप देखेंगे तस्वीरों में, मकान पूरी तरीके से डूबा हुआ है, बिजली के खंभे भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और आप देखिए कितने सारे डूब करके लोग चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी खतरा इनके सामने आ सकता है। जैसा कि बताया जा रहा है, मगरमच्छों के लिए बहुत फेमस है यहाँ एक नाला, और उससे इसकी कनेक्टिविटी है, तो ऐसे में लोग अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ घूमते हुए देखे जा रहे हैं। जैसा कि समस्या बताई जा रही है, लोग घरों में हैं लेकिन बाहर निकलना नहीं चाहते। कारण यह है कि उन्हें असुरक्षा का डर है, उन्हें डर है कि उनके घर में चोरी हो जाएगी या और कुछ आपदा आ जाएगी, इसलिए अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाह रहे। कुछ लोग जो जाना चाह रहे हैं उन्हें रेस्क्यू कर दिया गया है। पीछे तस्वीरों में मैं आपको यहाँ से दिखाता हुआ चल रहा हूँ, आप देखिए जहाँ तक नजर जाती है पानी नजर आता है, और ये लोग देखिए दूध लेकर जा रहे हैं। दूध लेकर जा रहे हो? ये देखिए दूध लेकर जा रहे हैं, और घर आप देख सकते हैं वहाँ वहाँ छत पे आप देखेंगे उधर किस तरीके से लोग घरों में फंसे हुए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि घर के दरवाजे पर पानी ने दस्तक दे दी है, और इतना ज़्यादा पानी है कि आदमी घर से निकल ही नहीं पा रहा है।